तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका अलॉटमेंट लेटर कब आएगा। आपका अलॉटमेंट लेटर 3 से 4 बजे तक या फिर हो सकता है 5 से 6 बजे तक आ जाए। कंफर्म रहो इतना कि 6 बजे तक आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, लेकिन ज्यादातर टाइमिंग होता है इसका अलॉटमेंट लेटर आने का 3 से 4, तो हो सकता है आपका 3 से 4 अलॉटमेंट लेटर आ जाए। सो आप लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आप लोग सभी को कॉलेज मिलेगा, चाहे आपका रैंक 13,000 है या फिर 50,000 है या फिर 2,000 है या फिर 1,000 है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, सबको कॉलेज मिलेगा। हाँ, लेकिन जब आपका मान लो कि अलॉटमेंट लेटर आ गया, तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते समय कौन कौन सी बातों को आपको ख्याल में रखना है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उस बातों को ख्याल में नहीं रखते हो, तो आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हो जिनके कारण आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे, तो आपको वहां पे ना, जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे, जैसे ही आप लॉग इन करोगे, ठीक है, यूजीएससी का आईडी डालोगे एंड पासवर्ड डालोगे, तो आपका लॉग इन हो जाएगा। तो वहां आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करोगे, तो आपको पता चलेगा कौन सा कॉलेज मिला है, उस कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिला है। तो मान लो कि आपको फर्स्ट राउंड में, ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपको मिल गया जीईसी अरवल मिला, ठीक है, जीईसी अरवल मिला, और आपने इससे ऊपर डाल रखा था एमआईटी, ठीक है, एमआईटी डाल रखा था। फर्स्ट चॉइस आपका एमआईटी था, सेकंड चॉइस आपका अरवल था। मान लो कि फर्स्ट राउंड में आपको मिल गया अरवल, ठीक है। सो आपने, आपको क्या करना है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते समय आपको दो ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, एक आपको दिखेगा यहाँ पे फ्रीज का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, एक फ्रीज का ऑप्शन दिखेगा, एक यहाँ पे ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप चाहते हो कि सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना, ठीक है, आप चाहते हो कि मुझे सेकंड राउंड में एमआईटी मिल जाए, तो आपको ऑटो अपग्रेडेशन पे क्लिक करना है। अगर आप चाहोगे कि फर्स्ट राउंड में मुझे जीईसी अरवल मिल गया, तो इसी में लेके पढ़ना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे फ्रीज क्लिक करना है, ठीक है। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप ऑटो मतलब कि अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे, उस समय इस बातों का ख्याल जरूर रखना। अगर आप इस चीज में कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको हो सकता है कि वैसे कॉलेज में पढ़ना पड़े जहां आपका मन ना लगे, ठीक है, जो आपको नहीं चाहिए था। अब देखो, यही चीज होता है सबसे मेन। अगर मान लो कि आपको चाहिए था फर्स्ट राउंड में एमआईटी मुजफ्फरपुर चाहिए था, लेकिन आपको मिल गया फर्स्ट राउंड में, ठीक है, ये चाहिए था लेकिन आपको मिला गया, ठीक है, तो आपने फर्स्ट पे गया चूज करके रखा था, सेकंड पे आपको फर्स्ट पे एमआईटी, सेकंड पे गया चूज करके रखा था, लेकिन फर्स्ट राउंड में आपको अलॉट हो गया यहाँ पे गया, ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपने गया अलॉट हो गया, और आपने ऑटो अपग्रेडेशन ऑन कर दिया, ठीक है, ऑटो अपग्रेडेशन ऑन कर दिया, जिसके कारण सेकंड राउंड में आपको एमआईटी अलॉट हो गया, ठीक है बाबू, सेकंड राउंड में आपको एमआईटी अलॉट हो गया, तो आपके और बल्ले बल्ले है कि आपको टॉप 1 कॉलेज मिल गया। सो ऑटो अपग्रेडेशन बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड हाँ, ये भी एक और चीज आप ख्याल रखना, जैसे आपने मान लो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया, अब डाउनलोड करने के बाद एक और चीज होता है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि, जैसे आप सभी को पता है एडमिशन डेट 1 से 4 अगस्त है, अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि चलो 5 को चल जाएंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है, तो ये सब नहीं सोचना है। जितना टाइम दिया गया है, 1 से 4 तक एडमिशन का डेट दिया गया है, तो आपको 1 से 4 तारीख के बीच में ही जाना है, 5 नहीं होना चाहिए, कभी भी 5 नहीं करना, क्योंकि 5 तारीख को 100% है कोई भी आपका कोई मदद नहीं कर पाएगा, वहां का टीचर हो, फैकल्टी हो, प्रिंसिपल हो, क्योंकि एडमिशन का डेट जो है 1 से 4 तारीख के बीच में ही है, तो 4 तारीख के बीच में ही आपको जाना है, ठीक है। सो ये सब सारी बातों का ख्याल रखना आज, ठीक है, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते समय ये सब सारी चीजें आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड कोई भी गलती मत करना, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करना, या फिर आप कमेंट कर देना इस वीडियो में, आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिख के बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है, बाय बाय।